नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जिस तरीके से आप लोगों को मैंने हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आरंभ भाग दो उसका द्वितीय चैप्टर पतंग कविता प्रसंग व्याख्या और पाठ के बारे में आपको बताया, कविता के बारे में अच्छा लगा होगा। आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार आरोप भर्मा जी ने ये जो कविता लिखी है पतंग, इस पतंग कविता में किस प्रकार से शरद ऋतु का वात्सल्य रस के अंतर्गत मानवीकरण किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि शरद ऋतु आने पर किस प्रकार से एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक नया पंचावर प्रकृति में देखने को मिलता है, उसको बच्चों के साथ जो करते हैं कि बच्चे भी किस प्रकार से शरद ऋतु जब आती है तो उनकी चेहरे पे उनका सुरूर, उनकी सीटियाँ, उनका उत्साह, उनका एक दूसरे के साथ खेलना और पतंग जो है वो एक तरीके से उड़ान। तो बच्चों, आज हम इसके इस कविता से प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे कि जो आपकी कक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और उसमें हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जो कविता है उसके अंदर जो उदाहरण प्रश्न बन करके आते हैं उसके बाद कविता के साथ इस कविता से पहला प्रश्न है, सबसे तेज पहुँचाए गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो बच्चों, जिस तरीके से आपको बताया कि किस प्रकार से भारत एक ऋतुओं का देश है और यहाँ जो कविता के संदर्भ में हम इसका उत्तर ये दे सकते हैं, जैसे अपनी अपनी कल्पना है, आप लोग भी अपने तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है सबसे तेज पहुँचा रहे हैं। अर्थात कभी आलोक धर्मा जी का मानना है कि बारिश का जो मौसम है वो निकल गया है, भादों के महीने और सावन के महीने में बहुत तेज बारिश होती है और प्रकृति में उसके बाद में जो परिवर्तन आया है, यानी कि शरद ऋतु का आगमन हुआ और शरद ऋतु के आने से प्रकृति का जो वर्णन है उन कविता की पहली चार पंक्तियों के अंतर्गत है। जैसे चारों हरियाली छवि, मौसम सुहाना हो गया, प्रकृति मानव की बहुत सुंदर दिख रही है, बसंत रूपी बालक के आगमन से बहुत ही मनमोहक और बच्चों की किलकारियाँ, बच्चों की सीटियाँ, बच्चों का कोमल हृदय है वो प्रफुल्लित हो गया है, बच्चे झुंड बना करके मानव की पतंग उड़ाने के लिए आतुर है और कई प्रकार का जो प्रकृति में जो परिवर्तन है वो देखने को मिलता है कि चारों ओर हरियाली, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि मौसम में भी परिवर्तन आता है, मौसम स्वच्छ और सुहावना बन जाता है। तो और आपके अनुसार इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। द्वितीय प्रश्न है, सोचकर बताइए कि पतंग कविता के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया? तो बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है वो यह है कि हम अपने अनुसार भी सोच सकते हैं, आप लोग भी सोच सकते हो, लेकिन जहाँ तक मानना है कि सबसे हल्की रंगीन चीज, यहाँ पर कभी आरोप धर्मा जी ने अपने लोक अंचल की विशेषताओं को इस पतंग कविता में उल्लिखित किया है। जैसे सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे
इसके अलावा सबसे पहला नंबर और सबसे पतली कमानी यहां पर जो विशेषण है पतली पतली कम इनका प्रयोग क्यों किया गया तो देखिए जिस प्रकार से यहां पर सबसे हल्की और रंगीन चीज अब रंगीन चीज क्या है यहां पर पतंग पतंग का जो कागज है वो कलरफुल है और जो रंगीन जो चीजें हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि बच्चे हमेशा सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब आपके बुक के अंदर कई ऐसी पिक्चर्स होती हैं जैसे कोई प्राकृतिक सौंदर्य की हो या किसी कवि की हो तो वो सब चीजें आपको अच्छी लगती है। उसी प्रकार से बच्चों को भी रंगीन चीजें वो बहुत ज्यादा पसंद है और पतला कागज क्योंकि बच्चों का हृदय बहुत ही कोमल और मुलायम है। बच्चों के अंग बहुत ही कोमल होते हैं, बच्चों की कल्पनाएं बहुत ही सुंदर होती है, इसीलिए यहाँ पर पतला कागज का प्रयोग किया है। पतली कमानी, कमानी जिससे पतंग को बनाया जाता है ऐसी बांस की जो बिल्कुल पतली कमानी का प्रयोग पतंग को बनाने में किया जाता है। तो उसी प्रकार से बच्चों की जो कल्पनाएं बहुत ही कोमल और सुंदर होती है वो जहाँ तक मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों का प्रयोग जो किया है जैसे रंगीन चीज पतला कागज और पतली कमानी ये सब बच्चों से जुड़ा गया है क्योंकि बच्चों की जो चेष्टाएं हैं बच्चों के जो शारीरिक बनावट है या बच्चों की जो मुस्कान है बच्चों की जो बीमारियाँ हैं बच्चों की जो कल्पनाएँ हैं बच्चों के जो सुंदर चीज़ों को आकर्षित करने का तरीका है वो सब किसी भी विशेषणों का प्रयोग किया गया क्योंकि विशेषण जो है वो किसी वस्तु की किसी व्यक्ति की विशेषता है वो बताते हैं उससे उस व्यक्ति या वस्तु के अंदर और ज़्यादा चमत्कार या और ज़्यादा वो आकर्षक लगने लगती है। तो इसीलिए यहाँ पर पतली कमानी पतला कागज रंगीन चीज का प्रयोग यहाँ पर पतली जो है वो विशेषण है हल्की जो है वो विशेषण है तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसका प्रयोग है वो किया गया है। इसके अलावा तीसरे प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं बिंब स्पष्ट कर तो सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए घंटी बजाते हुए जोर शोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। तो यहाँ पर जो बिंब है मैंने बताया कि बिंब जो है वो हमारे मानस पटल पर बनते हैं और एक तरीके से इमेजन जिसे कह सकते हैं किसी चीज को तो उसके जैसा एक तरीके से कल्पना के आधार पर मानना। तो यहाँ पर बताया गया है कि खरगोश की जैसा सवेरा अब यहाँ पर जो खरगोश का जैसा खरगोश की आंखों जैसा सवेरा अब यहाँ पर खरगोश की जो आंखें लालिमयी है उसकी तुलना किसी की नहीं है सवेरे से। तो यहाँ पर जो सवेरा इतना सुंदर है जैसे मानो कि कोई खरगोश की आंखें तो यहाँ पर खरगोश की आंखें यहाँ पर बिंब है किसके लिए सवेरे के लिए उसी प्रकार से है चमकीले चमकीली साइकिल। अब साइकिल के लिए किसका प्रयोग किया गया है नई साइकिल होती है लेकिन उसमें एक चमक है उसी के साथ घंटी बजाते हुए अब घंटी बजती है लेकिन उसके लिए घंटी बजाते हुए और चमकीले इशारे बच्चों के लिए जो इशारे कैसे हैं चमकीले तो ये एक तरीके से जो बिंब है इसका प्रयोग है उसमें किया गया है। तो ये जाते के माता का आपकी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा है फोर्थ प्रश्न चौथा प्रश्न जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध हो सकता है। तो बच्चों जैसा कि ये जो कविता है पूरी पतंग जो नाम दिया गया है ये वास्तव में ही बहुत हल्की और मुलायम और कोमल और रंगीन होती है उसी प्रकार से यहाँ पर जो कपास से बच्चों के जो जन्म के
कि वो छतों को नरम बना देते हैं और ऐसा लगता है जैसे इधर उधर दौड़ते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है और वो चाहे गिर जाए चाहे उनके चोट लग जाए लेकिन फिर भी वो रोते नहीं और मायूस नहीं होते। इसीलिए यहाँ पर जो कपास का प्रयोग बच्चों के लिए किया गया है, क्योंकि कपास जो रुई है बहुत ही मुलायम होती है, आरामदेह होती है, उसी प्रकार से बच्चों की भी बनावट है शारीरिक वो बहुत ही कोमल होती है और जब वो खेलते हैं जब वो शोर करते हैं तो वो भी एक तरीके से अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ पर बच्चों के जन्म के साथ कपास को जोड़ा गया है। अगला है फिफ्थ प्रश्न, पतंगों के साथ साथ देवी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध होता है? तो देखिए बच्चों का जो उड़ान से जो संबंध जो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत ही प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ मैंने पहले बताया कि उन्होंने अपने आलोक भगवान जी ने अपने ग्रामीण अंचल को लिया है, जब पहले किसी प्रकार के संसाधन खेलने के नहीं थे, पहले गांव के बच्चे इकट्ठे होते और पतंग उड़ाना और कई प्रकार के ऐसे सामूहिक खेल थे जैसे कि सितोलिया है, काली पीलो है, कई प्रकार के खेल समूह में खेलते थे। और उसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि पतंग के साथ साथ बच्चों का उड़ना कैसा संबंध होता है, ये बनता है क्योंकि बच्चे कल्पना करते हैं जब पतंग आकाश में होती है तो उनका दिल धड़कता है और वो एक तरीके से उनकी पूरा जो दिमाग का जो एक तरीके से संतुलन जो है वो उस आकाश में उड़ने वाली पतंग के साथ बना रहता है। और ये भी बताया गया है कि जब वो गिरने की स्थिति में होते हैं छत से कहीं उनको ध्यान नहीं रहता है तो वो जो धागे की डोरी है वही उन्हें संभालने के लिए, क्योंकि उनके हृदय में उनका रोम जो है रोमांचित होता है, उनकी कल्पना एक तरीके से क्या है कि बहुत ही उच्च है, जैसे आकाश की ऊंचाई तक पतंग उड़ती है उसी प्रकार से बच्चों की कल्पनाएँ, उनकी एक तरीके से सोच, उनके एक तरीके से उछल कूद करना, ये सब इसके साथ में जोड़ करके देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए, छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। तो बच्चों ये जो इसका प्रश्न नंबर 6 का पार्ट है और इसमें बताया गया है कि जब बच्चे छत पर पतंग उड़ाते हैं, छत में कंक्रीट होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, लेकिन उन सबकी वो परवाह नहीं करते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि जब वो एक छत से दूसरे छत पर कूदते फांदते हैं या पतंग उड़ाते हैं उस समय उन नंगे पैर होते हैं यानी उलहने होते हैं और उनका जो कोमल जो पैरों की जो त्वचा है उससे उनको कष्ट होता है, लेकिन उस पतंग उड़ाने में इतने मशगूल रहते हैं कि उन्हें इस प्रकार का ध्यान नहीं रहता है और ऐसा लगता है जैसे कि इतना शोर करते हैं वो कि चारों दिशाओं को मृदंग का मतलब होता है एक वाद्य यंत्र है उसकी तरह गुंजित है वो कर देते हैं, सीटियाँ मारते हैं, किलकारियाँ मारते हैं, इसीलिए यहाँ पर दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना कहा गया है। तो जब बस सर्द ऋतु जब आती है तो चारों चाहे प्रकृति में चारों दिशाओं में जो वातावरण है वो अति सुंदर और ऐसा लगता है जैसे कि चारों ओर धुनें बजती है, भक्ति संगीत शुरू हो जाता है, मौसम सुहाना हो जाता है, इससे इसको जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 6 का ही पार्ट था, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। देखिए जब बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते किनारे पर पहुंच जाते हैं छत के, तब एक तरीके से जो डोरी है वो एक तरीके से समान रखते हैं, उनका शरीर का प्रत्येक जो रोम है वो रोमांचित हो जाता है जिससे उनकी जो शारीरिक बनावट है बच्चों की बहुत ही लचीली होती है, अपने शरीर को दोबारा छत की ओर वो खींच लेते हैं, इसीलिए गिरते गिरते अगर वो छत से बच जाते हैं तो और अधिक निडर हो जाते हैं और अधिक उनके अंदर साहस पैदा होता है और अधिक उनके अंदर हौसला बढ़ जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य अस्त
होने के बाद में दूसरे दिन जब उदित होता है तो एक नया सूरज का निर्माण होता है, तो एक नई सोच, एक नई मन बच्चों के मन में पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये छह प्रश्न थे इसके, और छह प्रश्नों को मैंने यहाँ पर समझाया। इसके अलावा इसमें से कुछ प्रश्न आपके ये जो कविता है कथन, इससे भी आपको बोधात्मक प्रश्न है, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और आप उनको होमवर्क के रूप में रहेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए कुछ प्रश्न आपको मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से जो बोधात्मक प्रश्न आते हैं प्रश्न निर्माण, जैसे कि हमने ये जो लास्ट लास्ट है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ते उड़ रहे हैं, पतंगों साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। और लास्ट पंक्ति इसकी उनके बेचैन पैरों के पास, उनके बेचैन पैरों के पास। तो ये जो तीसरा इसका पैरा है और इससे हम प्रश्न बनाएंगे, तो देखिएगा आप लोग कौन है जो पतंग के सहारे उड़ रहे हैं। पहला प्रश्न है कौन है जो पतंग के सहारे उड़ रहे हैं। पहला प्रश्न है तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि पतंग के सहारे बच्चों हैं, उनकी कल्पनाएं, उनकी सोच, उनके विचार। जब वो पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पतंग आकाश में उड़ती है, लेकिन उनकी कल्पनाएं उस पतंग के पास हो, तो बच्चों के साथ इसको जोड़ा गया है। और गिरकर बचने पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रश्न है गिरकर बचने पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों इसका उत्तर यह है कि जब बच्चे छत की गिरने की स्थिति में होते हैं पतंग उड़ाते समय, उस समय जब वो बच जाते हैं तो उनके अंदर दुगना उत्साह, दुगनी एक तरीके से उमंग, ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा निडर बन गए हो और बहुत ज्यादा हौसला उनके अंदर आ गया है। और लास्ट प्रश्न है इसका, पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास किस प्रकार घूमती हुई आती है। पृथ्वी बच्चों के बेचैन बच्चों के बेचैन पैरों के पास कैसे घूमती आती है। तो देखिए इसका उत्तर यह है कि पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास, क्योंकि बच्चे जो है पृथ्वी के अपने को धन्य करना चाहती है, क्योंकि धरती माँ के लाभ है छोटे बच्चे, और धरती भी चाहती है कि मेरे जो मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार से इनको कोई दुख ना पहुँचे। और एक तरीके से बच्चों के जो पैर है वो इतने गतिशील होते हैं, इतने एक तरीके से दौड़ते हैं इतने बच्चे, तो पृथ्वी भी एक तरीके से उनका स्पर्श पा करके धन्य अपने आप को करना चाहती है। तो यहाँ पर पृथ्वी अपनी सतह पर घूमती है, लेकिन बच्चे जो है
जो है उनके पैर वो गतिशील है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और मुझे आशा है कि विश्वास है कि ये जो पतंग कविता है ये हमारी व्याख्या से कंप्लीट हो गई है, इसके प्रश्नोत्तर आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे जब गूगल में होगी उससे हम आप डिस्कस कर सकते हैं। अगला जो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे वो है गतिशील है, पद्य के दो चैप्टर हो गए हैं, तो गद्य का जो अगला जो चैप्टर होगा आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो है, आपको बता देता हूँ कौन सा होगा। महादेवी वर्मा, ये जो चैप्टर है और महादेवी वर्मा का जो